नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही टेस्टी बर्थडे केक की रेसिपी लेकर आए हैं। दोस्तों बहुत ही अलग और यूनिक फ्लेवर रहेगा, जिमजैम बिस्किट का फ्लेवर इसमें रहेगा, साथ ही साथ ये चॉकलेट फ्लेवर अंदर से रहेगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी ये केक बनके तैयार होता है बर्थडे पे। अपने घर पे इस रेसिपी को आप बना के ट्राई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो केक हमने बेक किया ना कढ़ाई में किया, बिल्कुल ही फूला फूला और ज़बरदस्त केक बनके तैयार हुआ है, देखिए यहाँ पे। तो चलिए फिर फटाफट से आज की रेसिपी देख लेते हैं। तो दोस्तों केक बनाने से पहले कुछ तैयारी करना पड़ता है। तो 6 इंच टिन को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया, इसके बाद मैदा छिड़क के चारों तरफ से कोट कर लिया। यहाँ पे आप बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये टिन तैयार है। इसके बाद हमें नेक्स्ट तैयारी करनी है, गैस पे एक भगोना बैठा देना है जिसमें आपको केक बेक करना है। इसके बाद ऊपर से मैंने एक स्टैंड या फिर कटोरी उल्टा करके रख दे और ढक के इसे प्रीहीट होने दे, तब तक हम केक का बैटर बना लेते हैं। तो केक का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा कप पाउडर शुगर ले लिया है, चीनी को अच्छे से पीस लिया है और यहाँ पे हम आधा कप चीनी का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जाएगा 1/4 कप गाढ़ा दही, हम एगलेस केक बना रहे हैं तो यहाँ पे दही का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद 1/4 कप तेल डाल देंगे, जिससे हम कुक वगैरह करते हैं ना नॉर्मल कुकिंग ऑयल, वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अच्छे से तीनों चीज़ों को हमें मिला लेना है और बिल्कुल ही गाढ़ा कर लेना है इसको। तो अच्छे तरीके से मैंने मिला के तैयार कर लिया इस घोल को। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा, तो यहाँ पे छलनी रख दिया। इसके बाद मैदा ऊपर से डाल देंगे क्योंकि छानना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा केक फूला फूला और बहुत ही अच्छा बनता है। इसके बाद चॉकलेट फ्लेवर बनाएंगे तो 4 बड़े चम्मच मैं यहाँ पे कोको पाउडर डाल दूंगी। 4 बड़े चम्मच कोको पाउडर यहाँ पे डाल दिया, डार्क कोको पाउडर है आपके पास, जो भी कोको पाउडर अवेलेबल है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद 1 बड़ा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा बस। अब इन सभी को, ड्राई इंग्रेडिएंट को हमें क्या करना है, अच्छे से छान लेना है। छानना बहुत ज़रूरी दोस्तों, इससे हमारा केक फ्लफी बनता है। तो छोटी मोटी बातें जो आपको ध्यान रखना है, तो अच्छे से चलाते हुए इसका बैटर बना के तैयार करना है थोड़ा थोड़ा। अब साथ ही साथ मैं दूध डालते जाऊंगी और गाढ़ा बैटर बना के हमें तैयार कर लेना है। चलाते हुए बैटर मैंने बना के तैयार कर लिया है और अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच विनेगर। विनेगर डालने से हमारा केक जो है ना बहुत फूला बनेगा, क्योंकि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का रिएक्शन बहुत ही अच्छा होगा। तो जब हम बैटर बनाते हैं ना, झटपट से हमें इसे बेक करने के लिए रखना पड़ता है, क्योंकि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का जो रिएक्शन है वो तुरंत होता है। तो जल्दी से आप इसे बेक करेंगे ना तो आपका केक बहुत ही फूला फूला बनेगा दोस्तों। इसलिए मैंने पहले ही टिन को तैयार रखा था, यहाँ पे हमें ज़्यादा इसे चलाना नहीं है। जस्ट हमें देखिए इस तरीके से कट एंड फोल्ड मेथड का यूज़ करते हुए इस बैटर को बना के तैयार करना है। तो हमारा बैटर बिल्कुल ही तैयार है, अब हमें झटपट से इसे बेक होने के लिए रखना है, क्योंकि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का रिएक्शन होना अब शुरू हो गया है। तो झटपट से मैं इसे केक टिन में डाल दूंगी पूरे बैटर को। इसके बाद 1 से 2 बार इसे टैप करना है ताकि जो एक्स्ट्रा एयर है वो रिलीज़ हो जाए। और इसके बाद हमें जो हमने भगोना गर्म करने के लिए रखा था, आप कोई भी नॉनस्टिक कढ़ाई का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, मोटे तले वाला। इसके बाद ऊपर से हम टिन को रख देंगे और ढक के ऊपर से 30 से 35 मिनट में मीडियम फ्लेम में हम इसे कुक कर लेंगे। तो बेक करने के बाद आप इसे खोल के एक बार चेक करें, 20 से 25 मिनट में मेरा हो गया था। अगर आपका अंदर से कच्चा रहता है तो आप 10 मिनट इसे और बेक कर सकते हैं। तो मैंने देखिए चाकू डाल के देखा, बिल्कुल ही क्लीन आ रहा है, हमारा केक बेक हो गया। इसे अब हम साइड में रख देंगे। तो बेक होने के बाद केक देखिए कितना फूला फूला और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। पूरी तरह ठंडा होने के बाद ही आप इसे डीमोल्ड करें और देखिए कितनी बड़ी आसानी से ये डीमोल्ड हो गया, कितने अच्छे तरीके से हमने इसे ग्रीस किया था। ये जो साइड का कलर है ना, ये जो मैदा हमने लगाया था वो है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप केक देखिए कितना मोटा और फूला फूला केक बन के हमारा तैयार हुआ है, वो भी एगलेस। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर से जो एक्स्ट्रा बम्प निकला हुआ है ये हमें हटा देना है, क्योंकि ये केक का शेप हमारा बिगाड़ देगा। इसे हटा के अलग कर दे। इसके बाद हमारा केक काफ़ी फूला है तो इससे 4 लेयर कट के निकल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं फटाफट से 4 लेयर काट के निकाल दे रही हूँ दोस्तों। तो ये पहला लेयर, इसके बाद दूसरा लेयर, तीसरा और ये चौथा, 4 लेयर तैयार है। अब हम यहाँ पे जिम जैम बिस्किट का इस्तेमाल करेंगे, मार्केट में बड़ी आसानी से 20-30 रुपये में मिल जाता है आपको पैकेट। तो इसके बाद हम व्हिपिंग क्रीम भी तैयार रखे हैं, मेरे बहुत सारे केक के रेसिपी में आपको व्हिपिंग क्रीम कैसे बीट करते हैं आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने शुगर सिरप रखा है, केक को ये लंबे समय तक मॉइस्चर रखता है। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते तो आपको पता है कि केक के वीडियोस कैसे बनाए जाते हैं, अगर नहीं देखा है तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं।
इसके बाद अच्छे से मैंने इसको शुगर सिरप लगा दिया, व्हिपिंग क्रीम का मोटा लेयर लगा दूंगी। और देखिए पैलेट नाइफ का इस्तेमाल करते हुए हमें इसको घुमा लेना है। देखिए फर्स्ट लेयर हमारा लग गया है। अब ऊपर से हम यहाँ पे स्ट्रॉबेरी क्रश डालेंगे, क्योंकि जिम जैम में भी स्ट्रॉबेरी का ही फ्लेवर रहता है, तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी क्रश का इस्तेमाल करूँगी, अच्छे तरीके से फैला लूँगी। ये भी मार्केट में बड़ी आसानी से आपको ढेर सारे फ्लेवर में मिल जाते हैं। इसके बाद जो हमारे पास जिम जैम बिस्किट था वो हम यहाँ पर चूरा चूरा करके डाल देंगे। दोस्तों यकीन मानिए बहुत ही यूनिक फ्लेवर है, आज तक इस तरीके का केक आपको मार्केट में नहीं मिलेगा और ना आपने कभी देखा होगा। बहुत ही टेस्टी ये केक बनता है दोस्तों। मैंने अपने बेटे के बर्थडे के लिए इसको बेक किया था। इसके बाद सबसे ऊपर वाला जो टॉप था ना उसको उल्टा करके हमें यहाँ पे लगा देना है। और अब एक और ट्रिक मैं आपको बताऊंगी इसको लेवल अप कैसे करना है। देखिए व्हिपिंग क्रीम को लेना है और देखिए इस तरीके से आपको इसे इंसर्ट करते जाना है, ताकि जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना स्पेस वो व्हिपिंग क्रीम से फिल हो जाए। तो इस तरीके का ट्रिक आपको बेकरी वाले नहीं बताते हैं, और इस तरीके का ट्रिक आपको तभी पता चलता है जब आप बेकिंग क्लास करते हैं। तो आपको यहाँ पे बेकिंग क्लास करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे चैनल से आप बहुत कुछ सीख पाते हैं दोस्तों। इसके बाद शुगर सिरप फिर मैंने लगा दिया, व्हिपिंग क्रीम का एक मोटा लेयर हमें लगा देना है, और इस प्रोसेस को लास्ट तक हमें करते जाना है। अच्छे से मैंने व्हिपिंग क्रीम का लेयर लगा दिया, ऊपर से अब हम स्ट्रॉबेरी क्रश लगा देंगे, इसको भी फैला देंगे, और ऊपर से हमें बिस्किट को जो तोड़ तोड़ के रखा था वो हमें डालते जाना है। इसके बाद मैं यहाँ पे थर्ड लेयर को रख दूंगी और सेम प्रोसेस को हमें रिपीट करना है। तो फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो आपको मैं दिखा दे रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है दोस्तों। और इसके बाद हम देखिए व्हिपिंग क्रीम को अच्छी तरीके से लगा लेंगे। तो दोस्तों घर पे भी बड़ी आसानी से आप केक बेक कर सकते हैं, इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। आजकल हर सामान मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। और ये लास्ट लेयर है वो मैं लगा के अच्छे से व्हिपिंग क्रीम ऊपर से कवर कर लूँगी। दोस्तों यहाँ पे मैं दो लेयर लगाऊंगी व्हिपिंग क्रीम का, तो यहाँ पे मैं पहला लेयर अभी लगा रही हूँ। इसके बाद इसे सेट होने के लिए आधा घंटा फ्रिज में रख दूँगी, उसके बाद निकाल के नेक्स्ट लेयर लगाऊंगी, फिर केक को हम डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर पहला लेयर मैं चारों तरफ से लगा दे रही हूँ, इसके बाद हमने इसे फ्रिज में रख दिया। फ्रिज से निकाल के एक मोटा और लेयर लगा रहे, जिससे हमारा केक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी लगेगा दोस्तों। तो फटाफट से मैं इसे कर लेती हूँ। इसके बाद अब मार्केट में स्क्रेपर बड़ी आसानी से मिलता है, उसका हेल्प लेते हुए मैं इसका जो कोना है ना उसे बिल्कुल स्मूथ कर लूँगी। तो ये तैयार है। अब हमने यहाँ पे चॉकलेट गनाज बना के तैयार कर लिया था, और इसे हमें इस तरीके से ड्रिप करते जाना है। कंपाउंड चॉकलेट को हमें मेल्ट करना है क्रीम के साथ, और हमारा चॉकलेट गनाश बन के तैयार हो जाता है। इसके बाद हमने फ्लावर रोजेट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे फ्लावर बनाना शुरू कर दिया है। तो पाइपिंग बैग में मैंने भर लिया था व्हिपिंग क्रीम, और इसे इस तरीके से घुमाते हुए हमें रोज़ का डिज़ाइन देते जाना है दोस्तों। और बचे हुए जगह में हमें देखिए इस तरीके से एक फूल बनाते जाना है, तो बचे हुए गैप को ये फिल कर देगा। तो छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको साथ ही साथ बताते जा रही हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसके बाद देखिए ऊपर से मैं देखिए इस तरीके से डिज़ाइन दे रही हूँ, एक ऊंचा दीवार की तरह बना रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे बिस्किट्स भी इंसर्ट करने हैं। तो मैं इसे कर लेती हूँ। अब यहाँ पर बिस्किट की बारी आती है, तो देखिए कितना सुंदर और बहुत ही खूबसूरत ये केक बन के तैयार हुआ था दोस्तों। इस तरीके से आपको बिस्किट को लगाते जाना है, और बहुत ही टेस्टी ये केक बनता है दोस्तों। इसके बाद एक कोने में हम यहाँ पे मेरे पास बॉनबॉन बिस्किट था उसका दो इस तरीके से मैं इंसर्ट कर दूंगी, और देखिए हमारा केक लगभग बनके तैयार हो गया है। इसमें थोड़ा बहुत और डेकोरेशन करना बचा है, लग रहा है ना बिल्कुल ही मार्केट की तरह। मार्केट में भी आपको इतना अच्छा और इतना टेस्टी केक नहीं अवेलेबल होगा दोस्तों। एक बार यकीन मानिए मेरे तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। तो नीचे का भी मैं डिज़ाइन बना दे रही हूँ उसी पाइपिंग बैग से, और ऊपर बचा हुआ चॉकलेट गनाश में बचे हुए गैप में फिल कर दूँगी, और ऊपर से बिस्किट्स में भी लगा दूँगी, और बस तैयार है। इससे ज़्यादा इसको हमें डेकोरेट नहीं करना है। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही यम्मी टेस्टी, मुंह में घुल जाने वाला
स्वादिष्ट केक जो बेकरी से भी अच्छा बना है, बेकरी वाले भी इतना अच्छा डिज़ाइन नहीं करते, और करते भी ना बहुत ही महंगा मिलता है दोस्तों ये केक, यकीन मानिए। अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं तो एक बार जाके मार्केट सर्च कर लीजिएगा। देखिए बिल्कुल ही तैयार है हमारा टेस्टी और यमी जिम जैम फ्लेवर केक। तो चलिए इसे काट के मैं आपको दिखा देती हूँ। अंदर से इसका लेयर देखिए, बिस्किट्स भी आपको ज़रूर इसमें दिख रहे हैं अंदर के लेयर में। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही उम्दा केक बना था, बहुत ही यम्मी। आई होप आज की हमारी ये यूज़फुल रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी दोस्तों। पसंद आती है लाइक और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।